अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि फार्मेसी में ऐसी कौन सी क्रीम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में जो हाइपरपिगमेंटेशन, मेलास्मा, डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, फ्रैकल्स बन जाती हैं, उसमें सेफ़ होती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता बच्चे पे या उसकी माँ, और कौन सी क्रीम्स हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, सारा डिटेल से बात की थी। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो क्रीम्स होती हैं आप आँखें बंद करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो मार्केट में क्रीम्स होती हैं कॉस्मेटिक्स, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके आपको इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ते हैं कि कौन से प्रेगनेंसी में सेफ़ होते हैं और कौन से नहीं होते। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मैं दो तीन होम रेमेडीज़ बताऊंगा जो कि सेफ़ होती हैं, आप उसको घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते जच्चा पे या बच्चा पे, आप उसको प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, तो उसका आपको फ़ायदा होगा। पहले नंबर पर बात करें तो आपने लेमन जूस और कम्बर जूस, खीरे का जूस, ये दोनों को मिक्स करना है सेम क्वांटिटी में। अगर वो 10 ml ले लें लेमन जूस और 10 ml कुकम्बर जूस ले लें, आपने दोनों को मिक्स करके अपने फेस पे रुई की मदद से सुबह या शाम में 2 दफ़ा आपने इसको लगाना है। रुई की मदद से आपने जब डार्क स्पॉट्स हैं और फ्रैकल्स हैं, हाइपरपिगमेंटेशन है, वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। ये कैसे काम करता है, जो लेमन जूस होता है ये एसिडिक नेचर होता है, इसमें जो सिट्रिक एसिड अच्छी कंसंट्रेशन में होता है, तो क्या करता है, जो भी चीज़ एसिडिक नेचर होती है, ठीक है, जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है और हाइपरपिगमेंटेशन, मेलास्मा को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता है। और जो कुकम्बर जूस है इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं और स्किन को लाइट करते हैं, तो ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। आप इसको 2 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह में भी और शाम में भी रुई की मदद से। दूसरे नंबर पर बात करें तो एप्पल साइडर विनीगर होता है, जिसे सेब का सिरका कहते हैं, ये एसिडिक नेचर होता है, आपने सेम क्वांटिटी लेके इसकी भी 10 ml ये ले लें और उसको डिल्यूट करना है वाटर से, 10 ml आप उसको वाटर से मिक्स कर लें सेम क्वांटिटी में, ठीक है, रुई की मदद से आप लगा सकते हैं अपने जहाँ पे हाइपरपिगमेंटेशन है, मेलास्मा, डार्क स्पॉट्स हैं, तो ये भी एसिडिक नेचर होता है, तो ये भी जो माइक्रो लेवल पर पीलिंग करता है आपकी स्किन की और हाइपरपिगमेंटेशन, मेलास्मा, डार्क स्पॉट्स वगैरह को रिमूव करता है, आप भी इसको सुबह में और शाम में लगा सकते हैं। एप्पल साइडर विनीगर होता है, ये एसिडिक नेचर होता है, तो इसमें क्या होता है, एक तो सिट्रिक एसिड होता है, ऑक्जैलिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी भी होता है, इसमें एसिडिक एसिड होता है, ये एसिडिक नेचर है, तो क्या करेंगे, डेड स्किन है, जो हाइपरपिगमेंटेशन है उसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करके आपकी स्किन को ग्लो देंगे और स्किन को लाइट करेंगे। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी फिजिकल स्क्रबिंग, ठीक है, आप कोई भी स्क्रब ले लें जो आप रूटीन में आपको मार्केट से मिल जाता है, कोई भी स्क्रब, उसका इशू नहीं होता, कोई भी स्क्रब ले लें, 1 चम्मच शहद डाल के आपने उसको हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। जब आप फिजिकली पीलिंग करेंगे तो उससे भी क्या होता है कि जो डेड स्किन होती है उतरती है और स्किन को ग्लो मिलता है, हाइपरपिगमेंटेशन, मेलास्मा वगैरह ख़त्म होता है। तो ये थे जी 3 ग्रेडिटोटके या होम रेमेडीज जिनको आप प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं और आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसका आपको फ़ायदा होगा हाइपरपिगमेंटेशन, मेलास्मा, डार्क स्पॉट्स रिमूवल में। लेमन जूस है, कम्बर जूस है सेम क्वांटिटी में, दूसरे नंबर पे एप्पल साइडर विनीगर है, उसको वाटर में डिल्यूट करना है, तीसरे नंबर पे फिजिकल पीलिंग होती है, कोई भी स्क्रब लेके उसको जो है आपने शायद के साथ मिक्स करके लगाना होता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पाने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।